हाँ जी, तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारे पास एक फ्लोर प्लान बना हुआ है पूरा, लेयर्स में नहीं है। सबसे पहला काम इनको लेयर में तोड़ने का करना है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, इनके ऊपर हमें कॉलम्स अरेंज करने हैं, उनका सेक्शन कट करना है। तो ये काम करने के लिए इसको लेयर में तोड़ना पड़ेगा। लेयर कैसे कन्वर्ट की जाती है, कैसे क्रिएट करना है, वो हम पहले सीख चुके हैं। अब मैंने इस फाइल के ऊपर लेयर में काम नहीं किया हुआ, लेकिन इसी के रेस्पेक्ट में जो दूसरी फाइल है उन पर मैंने लेयर में पूरा काम किया हुआ है। जैसे कि ये वाली फाइल आप देखोगे सारा काम हुआ है इसमें, लेयर्स में हुआ हुआ है पूरा। प्रॉपर देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑप्शन कमांड पे गया, डिस्प्ले पे गया, पीछे के बैकग्राउंड कलर को मैंने इसको क्या कर दिया, वाइट कर दिया। अब इसमें आप देख सकते हो लेयर में काम हुआ हुआ है पूरा, वर्किंग हुई भी है ना। मैं चाहता हूँ कि इसकी लेयर्स इस वाले में चली जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक कमांड होती है हमारे पास LAS, लेयर स्टेट मैनेजर। आपको इस पे जाना है, यहाँ पे जाके न्यू पे जाना है, यहाँ पे आपको लेयर को नाम दे देना है कोई भी एक। इसे मैं नाम देता हूँ, ठीक है, ओके कर दिया मैंने। और इसको क्या कर दिया मैंने, अपडेट कर दिया और क्लोज कर दिया। तो ये सारी कोड हुई या फिर एक हुई है? लेयर ऑब्जेक्ट नहीं, सिर्फ लेयर। लेयर कौन सी थी, ये जो लेयर्स आ रही है, टोटल 36 लेयर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको एक एज अ सेपरेट फाइल बना दूँ लेयर्स को, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, LAS एंटर करोगे। LAS एंटर किया, यहाँ पे ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे गए आपने, डेस्कटॉप पे जाके एक्सपोर्ट कर दिया, हो गया एक्सपोर्ट। अब इसको कट कर दिया मैंने, सिर्फ चेंजेस करने के लिए कह रहा है, मैंने चेंजेस को भी नो कर दिया। यहाँ पे उन लेयर्स को लेके आना है हमें। अभी आप देखो मैं लेयर कमांड में जाता हूँ, मेरे में लेयर्स बन के आ रही हैं बट मैंने उनका यूज नहीं किया हुआ। मैं उन लेयर्स को हटा देता हूँ, तो जो जो लेयर का यूज नहीं कर रहे थे, जो ब्लॉक का यूज नहीं करते हैं, पर्च कमांड से वो लेयर्स और वो ब्लॉक्स क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, ठीक है। अब मुझे इनमें लेयर्स लेके आनी है जो मैंने LAS से एक्सपोर्ट की थी, याद है आपको। तो उनको लाने के लिए वापस से LAS एंटर करेंगे, और LAS एंटर करने के बाद क्या करना है हमने, इम्पोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे DWG हटा के हम क्या करेंगे, लेयर स्टेट पर जाएंगे, और यहाँ से हमने लेयर स्टेट पर ये वाली जो दिखा रहा है जिसको एक्सपोर्ट किया था, इम्पोर्ट कर लिया और रिस्टोर कर दिया। अब जैसे आप LA एंटर करोगे तो आप देखो आपके पास टोटल 37 लेयर्स की एलिमेंट आ गए हैं। यहाँ पे क्या करना है, ये आउटर वाला जो है ये प्लॉट लाइन है मेरी, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं कुछ सेटिंग्स कर लेता हूँ, क्रॉस हेयर साइज 10 कर दिया मैंने, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स को चेंज कर दिया, सिलेक्शन के क्रिप साइज को भी बढ़ा दिया, अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी शो कर लिया, सेलेक्ट किया, इसकी लेयर चेंज कर दी। कौन सी लेयर में जाएगी, 9 इंचेस वाली लेयर तो कोई है नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे LA एंटर किया, AR-plan-boundary line इसका कलर कर दिया रेड, सर दो जगह हो गया है, अप्लायंसेस में भी हो जाएगा, चेंज कर देंगे बाउंड्री, ओके। और इससे मैच कर दिया, हो गए। अब लेयर कमांड पे गए, वॉल की लेयर आ रही है, पार्टीशन वॉल की 4.5 इंच आ रही है, इसको एक्टिव कर लिया, साइड में एक लाइन बना दी और क्या कर दिया उससे, हाँ
टोटल प्लॉट। आगे हमारी सारी बॉल्स इधर भी मैच कर देते हैं। फर्ज से क्या होता है? फर्ज अननेसेसरी लेयर्स ऑफ ब्लॉक को हमारी स्क्रीन से रिमूव कर देता है। अननेसेसरी मतलब जो हमने लेयर्स या ब्लॉक क्रिएट करे बट वो स्क्रीन पे हमने यूज नहीं करे, उनके बाद में रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया, तो उन चीजों को हटाने के लिए हम फर्ज कमांड का यूज करते हैं। जो लेयर यूज है वो डिलीट नहीं होगा हमने दो लेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको दूसरी लेयर में करते हैं, पनीर चौड़ी लेयर पे एक्टिव किया। तो कोई जॉइन नहीं करनी ऑनलाइन ऑब्जर्व करना वो लगा दीजिए पनीर चौड़ी लेयर में कन्वर्ट कर देता है पनीर चौड़ी को। दूसरा अब्जर्व ने जॉइन कर लिया, दो जॉइन कर लिया। डार्क का कलर ले लेता लाइन की विड्थ को भी मोटा कर सकते हैं क्या, थोड़ा पतली हो जाएगी। तो उधर से जो स्टूल है फर्नीचर में पूरा आएगा, स्टूल जो लगाया है स्टूल किचन में फर्नीचर में आ सकता है वो ना किचन में। आप अगर उसको किचन का सेपरेट से एक पार्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। टीवी वुड भी फर्नीचर में के लिए पैसे में Thank you.
सैनिटरी में सैनिटरी के एलिमेंट डाल देते हैं। सैनिटरी के कौन से एलिमेंट्स होंगे भाई हमारे? सिंक, टॉयलेट्स, हाँ वो अब ऊपर करने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पे हम दिखा सकते हैं। स्टेयरकेस की लेयर है यहाँ पे, स्टेयरकेस की लेयर एक्टिव कर दी हमने। अभी दिखा दूँ आपको, काम हाथ जल्दी तो रहे मेरे क्योंकि थोड़ी से पहले से बना हुआ था ना ये प्लान, वो लेयर कन्वर्ट की थी ना उसमें काम खराब हो गया। अच्छा जी, अब जैसे आप देख सकते हो हमने वॉशरूम ऐसे दिखा तो दिया, बट यहाँ पे क्या होगा हमारे, इसके नीचे क्या आएगा हमारा वॉशरूम आएगा। अब वॉशरूम दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेयरकेस वाले को ऑफ कर दिया, फ्रीज हो गया वो। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना वॉशरूम का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो पेपर पहुंच जाएगा।
ठीक है, इसकी वॉल हमने थोड़ी सी अंदर बना दी, यहाँ पर नेश आ जाएगी सामान वामान रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम आराम से निश बना सकते क्योंकि ये स्पेस तो स्टेयरकेस के नीचे का एरिया ना, हमारा किसी पर्पस के लिए यूज तो हो नहीं सकता, तो उसके लिए निश कहलाती है, निश आ जाएगी। सर ये जो कर्सर था आपका ये 9 पीसेस सर, आपने वो कितना जगह लिया सर ये वाला? ये आप 1 फीट के आसपास ले लो, मैं देखता हूँ ज़्यादा होगा तो 1 फीट के आसपास ले लो सामान रखने के लिए। निश टाइप का कौन कर रहा है सर? क्या हुआ सर? वो बोल भी रहा था, आपने म्यूट कर रखा है क्या? नहीं म्यूट तो नहीं है सर, सुन नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ आवाज तो आने की। बोल भाई अब सर, बोल बोल आवाज देना सर। हेलो अफजल, आवाज आ रही है? हेलो अच्छा चलिए। सो हमने लेयर में तोड़ लिया, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनमें कॉलम देने थे तो कॉलम के लिए लेयर बनानी पड़ेगी। तो एल एंटर किया, कॉलम की लेयर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले से बनी हुई है, मैंने उस लेयर को सिंपल क्या करना है, एक्टिव करना है। अच्छा, वो बनाने से पहले हम जो काम कर रहे थे सैनिटरी वाला, उसको एक्टिव करके यहाँ पे पहले एलिमेंट डाल दें वॉशरूम वाले। सर शावर सर एक हाथ फाइल अपने दिमाग से बना के रख सकते हैं? हाँ बेशक लेके आएंगे, आपको काम कंप्लीट किया जाएगा। तब खुद से भी एक ये तो सर ने बताई थी अपने ये को बताई नहीं, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ जो उनकी क्लास कर रहा हूँ। कलर बड़ा अलग सा लग रहा है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। उसको से छेड़ना नहीं है ना, बंद बंद रहना चाहिए, कुछ नहीं करना वहाँ जो है वो एज इट इज रहना है। ये फिर छोटा कैसे हुआ सर? ये क्या वॉशेशन स्केल है? अलग से स्केल करेंगे बस।
ठीक है, ये भी आ गया हमारा, किचन की लेयर भी डाल देते हैं। इलेक्ट्रिक डिवाइस बना देना ना टीवी। ये जो सर सारे जो कैटलॉग है सर, ये अपने स्टैंडर्ड साइज में है ना जी? अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इसमें कॉलम प्लेस करना है। कॉलम प्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम की लेयर बनाएंगे। एल एंटर के यहाँ पे कॉलम की लेयर पहले से बनेगी, सी स्ट्रक्चर कॉलम लेयर पर एक्टिव कर लिया हमने। कॉलम की लेयर का कलर जो है ये एश कलर रेट रखता हूँ, रख रहा हूँ मैं अभी, ठीक है जी। उसको कट किया हमने और यहाँ पे कॉलम के लिए एक शेप बना दिया। कॉलम हमारा स्टैंडर्ड जो हमारा यूज होता है वो 9x9 का कॉलम होता है, दूसरा 9x18 का होता है, 9x12 का होता है, 12x12 का होता है, ये अलग अलग साइज हो जाता है। तो यहाँ पे हम जनरली जो यूज करते हैं वो ज़्यादातर 9x18 का यूज़ करते हैं। तो मैंने भी 9x9 और 9x18 के दो कॉलम बना दिए। अब हैच कमांड पे गए, टी एंटर किया, सेटिंग्स पे गए, यहाँ से इस पे जाने के बाद कंक्रीट स्लैब ले लिया हमने, ओके किया, ब्रेक पॉइंट पे गए, इसको ब्रेक पॉइंट दे दिया, टी एंटर के यहाँ सेटिंग्स पे जाके 0.25 हमने स्पेसिफिक फैक्टर रखा और ओके कर दिया। वापस से स्केल पे गए, इसको भी कर दिया हमने। ये दो एलिमेंट तैयार हो गए, इनको ब्लॉक बनाया, एक को नाम दिया C1। ठीक है, एक को कॉलम का नाम दे दिया C1, दूसरे कॉलम का नाम दे दिया C2। अब इनको प्लेस करना स्टार्ट किया। मैंने C2 को पहले उठा के यहाँ रखा, 9x9 का कॉलम क्वार्टर पे आ जाएगा। स्टेयरकेस के चारों कॉर्नर पे कॉलम दिए जाते हैं, तो एक यहाँ एक इधर हो गया। ठीक है, चार कॉलम हो गए, ये हो गए नहीं हो गए? ठीक है। अब दूसरा कॉलम जो हम देंगे, यहाँ पे विंडो वेंटिलेशन नहीं खोलेगा, एक विंडो यहाँ आएगी इसके पीछे, ठीक है, विंडो इसका वेंटिलेशन यहाँ आएगा, यहाँ पे हम विंडो या वेंटिलेशन कुछ खोल सकते हैं। ठीक है, इस वाली वॉल पे यहाँ तो टीवी यूनिट थी, तो यहाँ तो कोई चीज़ हमें सोचने की जरूरत नहीं है। टीवी यूनिट देने के लिए दूसरा कॉलम जो आएगा वो जाहिर सी बात है इधर ही आएगा, यहाँ बीच में रखना होगा। तो मुझे कितने देने पड़ेंगे, 1, 2, 3 चार कॉलम देने पड़ेंगे। तो जितने छोटे साइज के कॉलम देते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, उतनी ही ज्यादा कॉलम देने पड़ते हैं। अगर मैं सोचूं कि मेरी कॉस्टिंग बच जाएगी छोटे कॉलम देके, तो ऐसा नहीं होगा, उतने ज्यादा कॉलम देने पड़ेंगे। तो अगर हम प्लानिंग के अप्रोच से चले तो बड़े बड़े कॉलम देने में ज्यादा फायदा रहता है, ताकि आप जब ऊपर वाले फ्लोर पे प्लानिंग करोगे तो आपको इजिबिलिटी होगी मूवमेंट की, आपका आपके पास फ्री आप अपने फ्रीली मूव एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। लेकिन जब पांच पांच कॉलम दे दिए तो आपका रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट प्लानिंग का जो पोस्चर है वो फिक्स्ड हो जाएगा, जैसे नीचे सेम ऊपर वॉल ऊपर देनी पड़ेगी।
इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कोशिश क्या करते हैं 9x18 के कॉलम दिए जाए, जिससे कि स्पैन हमें क्या हो ज़्यादा मिल जाए। तो ये यहाँ रख दिया कॉलम। अच्छा दूसरा कॉलम जो होगा वो मैंने इसकी इसको उठाया यहाँ से पिक किया इसके और इसके स्ट्रेट सीक्वेंस में फिक्स पुट अप कर दिया। एक लाइन में आ गया, कॉलम यहाँ पे भी चाहिए हमें, ये वाला पुट किया। हो गया हमारा ये। अच्छा जो कॉलम है वही कॉलम हमारे इधर भी आएंगे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे कॉलम तो सेम ही चले गए, अलग अलग चले गए। तो मुझे क्या करना है, कॉलम को कॉपी करके इधर रखना है। तो क्या कर रहा था हमने कल याद है, ग्रुप कमांड पे गए थे और यहाँ से क्या क्या कॉलम्स को एक साथ क्या कर दिया हमने, एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया था सही, सारे कॉलम एक साथ चले जाएंगे। हाँ तो अब मैं कॉपी करता हूँ ग्रुप कमांड पे, ऐसा क्या होता है जी आर ओ यू पी ग्रुप एंटर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स इन वन ग्रुप एंटर जी आर एंटर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स इन वन ग्रुप एंटर। ठीक है तो मैंने जब ग्रुप में कर दिया तो मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया अपने इसके पॉइंट से, प्लॉट के पॉइंट से उठा के प्लॉट के दूसरे पॉइंट पर रख दिया। आगे अब यहाँ देखेंगे तो ये चारों कॉलम तो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं क्योंकि स्टेरकेस तो जैसा नीचे तो वैसे ऊपर जाता है, लेकिन लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये भी ठीक ही है। यहाँ सामने टीवी यूनिट आएगी हमारी है ना, तो ये कॉलम जो होगा टीवी यूनिट में छुप जाएगा। तो ऐसे भी होगा तो दिखने वाला तो नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये वाला जो कॉलम है ये देखो कैसा आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, बीच में से बाहर निकल रहा है ना ये। तो ये ऐसा कॉलम दे दिया जा सकता है क्या, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ऊपर की वॉल हमने थोड़ी सी बढ़ाई बाहर ली थी रूम बढ़ाने के लिए है ना, तो क्योंकि बाहर ले ली थी तो वॉल जब बाहर आएगी तो कॉलम तो वही चलेगा। अब इसको सही करने का तरीका क्या कर सकते हैं हम, मैं अभी देखो अगर इसको क्लिक करूंगा पूरा एक साथ सेलेक्ट होगा क्योंकि ग्रुप में बना दिया था। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट ए दबाया, कंट्रोल शिफ्ट ए दबा के क्या हो गया, ग्रुप ऑफ हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रोटेट कर दिया, सब जितने भी ग्रुप बना रहेंगे सब ऑफ हो जाएंगे, अभी तो हम एक ही ग्रुप से बनाए हैं। हाँ फिर मल्टीपल ग्रुप दो है ना, दो गए, हाँ दो दो दोनों ऑफ हो गए। अच्छा अब इसी कॉलम को ग्रुप ऑफ के लिए दबाया था कंट्रोल शिफ्ट ए, ठीक है। अच्छा तो ये वाला कॉलम भी मोर और लेस सही आ गया, थोड़ा सा बैट को आगे खिसका के लगाएंगे, बस आइटम को आगे खिसका के लगाएंगे, यही तो हो सकता है। अच्छा लेकिन ये वाला जो कॉलम है ये क्या हो रहा है, ये टेरेस पे बीच में निकल रहा है, तो ये वाले कॉलम को क्योंकि ये टेरेस है तो इसके ऊपर तो स्लैब ऊपर तो होगा नहीं ना, ऊपर कोई लोड भी नहीं है जो छत ही नहीं पड़ रही, तो जो जो नीचे बीम तो नीचे पड़ा होगा इधर आके आना है ना, तो ये वाले कॉलम को और ऊपर लेके जाने की हमें कोई जरूरत है, ये वाला कॉलम नहीं लेके जाएंगे तो फिर इसका बीम किस पे ऊपर रुकेगा, यहाँ इसका बीम आएगा इधर बीम होगा ऊपर उसके छत तक तो बीम चलेगा ना टेरेस का, तो किसका जो ऊपर लेगा कहाँ रेस्ट करेगा वही तो हम पूछ रहा हूँ। अगर हम कॉलम यहाँ ऊपर नहीं लेके गए जी। जैसे हम कॉलम क्यों देते हैं, हाँ कैंटिलीवर पैड अटैच करना पड़ेगा हमें, कैंटिलीवर बनाने के लिए हमें बीम कॉलम को या ले कॉलम को हैवी करना पड़ेगा फिर,
देखो ग्राउंड फ्लोर पे तो हमारा ये कॉलम, जब हम कॉलम देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बीम इसके ऊपर कनेक्ट हो के आएगा, इसके ऊपर ऐसे बीम आएगा, एक ये रेक्टेंगल फ्रेम बन गया पूरा हमारा तैयार, इधर भी पूरा रेक्टेंगल फ्रेम बन गया तैयार, इधर भी पूरा एक रेक्टेंगल फ्रेम आ गया हमारा तैयार, यहाँ पे आते हैं रेक्टेंगल फ्रेम तैयार, ये भी रेक्टेंगल फ्रेम तैयार, इसका ये यहाँ तक आया। अब ऊपर तो कॉलम जा नहीं रहा, तो इधर से जो बीम आएगा और ये वाला बीम आएगा, वो दोनों आपस में जब जुड़ेंगे तो नीचे सपोर्ट तो कुछ है नहीं, तो वो कैसी सपोर्ट, वो कैसा अटैचमेंट कहलाएगा, कैंटिलीवर। सर हम ये भी तो कर सकते हैं, जो टेरेस है वो थोड़ा कम ले लो उसके लिए, तो कॉलम पे आ जाएगा। हाँ टेरेस के एरिया को कम ले लो आप भाई, कि ये जो वॉल है इसको हम यहाँ तक ना करके यहाँ तक रखते, थोड़ा सा टेरेस छोटा हो जाएगा बस, यानी स्ट्रेंथ तो रहेगा। हाँ ओके, बस अब इससे स्ट्रेंथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हमारा टेरेस थोड़ा सा छोटा हुआ, बस 4-6 इंच छोटा हुआ, ओके खास ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। अच्छा ये चीज़ हमें इसमें भी करनी पड़ेगी, प्लॉट साइज हमारा कितना छोटा हो रहा है तो देख लेते हैं, 10.5 इंच लाइन है, 10.5 इंच चलेगा ठीक है। अब इनके ऊपर क्या पास होंगी, बीम चलेंगे, तो बीम के लिए वापस से लेयर कमांड पे गए, C-structure-beam, बीम का कलर हमने मैजेंटा कर दिया, एक्टिव कर लिया, इसको कट किया। अच्छा जब मैं बीम बना रहा हूँ तो क्या मुझे फर्नीचर देखने की जरूरत है, सेंट्री देखने की जरूरत है, हाँ तो कोई वो देखने की जरूरत है या नहीं है, तो मैंने क्या किया लेयर कमांड पे गया, सेनेटरी वाले को ऑफ कर दिया, फर्नीचर को ऑफ कर दिया, किचन को भी ऑफ कर दिया, वॉल तो दिखनी चाहिए क्योंकि उनके ऊपर ही बीम इजीली हम देख लेंगे, तो बीम बनाने के लिए मैंने क्या किया पॉली लाइन ली, पॉली लाइन कनेक्ट कर दी मिडल से मिडल, अब यहाँ पे इसके मिडल से कनेक्ट करेंगे, शायद आप इसी को स्टैट में लेके जा सकते हो, जैसे अब कॉलम भी आ गए ना बीम आ गए, सारी लेयर को ऑफ कर दो, सिर्फ कॉलम और बीम, वॉल भी हटा दो, उसको लेयर को उठा के अलग रख दो सिंगल लाइन, हाँ उसको आप स्टैट में ले जाओ, आपका पूरा काम मेहनत सारी जो स्टैट में मेहनत करनी पड़ती है सारी मेहनत बच जाएगी। अब ये सिंगल लाइन है, पर हम ये जो बीम दिखाते होते हैं वो कैसे दिखाते हैं, डबल लाइन दिखाते हैं, तो हमने सिंगल लाइन रखा है, अभी इसको क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड बीम का साइज जो होता है वो आपका होता है 4x12 4x9 इस तरीके से होता है, 4.5 इंचेस की बड़े वो सॉरी 9x9 9x12 9x18 इस तरीके से होता है, मतलब बीम जो रखते हैं वो इस हाइट बीम की ज़्यादा रखते हैं, थिकनेस बीम कम रखते हैं, डेप्थ ज़्यादा होती है, तो 9 तो ऐसे होगा और 18 है तो 18 क्या होगी डेप्थ होगी, जिस वजह से हमें कई बार कॉर्नर में एल टाइप की प्रोफाइल वॉल से लटकती हुई देखने को मिलती है, या बीच में कई बार ड्रॉप बीम देखने को मिलता है, जैसे आप यहाँ से लैब में जाओगे तो बीच में एक बीम लटका हुआ आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
बट कॉमर्शियल में आपका क्या होता है ना, जैसे स्लैब भी आपका 9 inches का पड़ता है, तो 9x9 का तो उसके अंदर फ्लश हो जाता है, बट 9x12 का होगा तो उसमें 3 inches ड्रॉप दिखता है, जिस वजह से उनमें फिर पूरे में पॉर्सिलिन डाल दी जाती है। और जनरली आपने घर में भी देखा होगा चारों तरफ से कॉर्नर कॉर्नर देखने को मिलता होगा रूम में आपको, वो बीम ही लटकता है आपका ड्रॉप पे देखने में। तो बीम के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन को 4.5 inches और 4.5 inches क्या कर दिया हमने दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया। इसमें सर पूरा बीम लटकता और यहाँ पूरा पूरा, इसीलिए यहाँ पे नीचे वो टीवी यूनिट दिया ना, बस ये फॉल उसको फॉल से तक कवर करना पड़ेगा। तो इसको इसको कम करने तो कम मिला जाएगा। हाँ इसको अगर बॉल करेंगे तो बॉल बॉल को छेड़ने का कोई फायदा नहीं ना, बॉल वहीं बन जाए तो बीम ऊपर लटके उसको फॉल सीलिंग में कवर कर देंगे। भाई इसकी जो फॉल सीलिंग आएगी यहाँ पे इतने पोर्शन पे पीओपी से कवर कर देंगे बस। अभी बीम हो गए, इसमें हम क्या करते हैं जो अंदर वाला एलिमेंट है इसको सेंटर लाइन कर दिया हमने। और इसको सेंटर लाइन को जितने भी सेंटर पे आ रहे हैं बीम के सबके साथ मैच कर दें। ठीक है, अब मुझे खाली बीम और कॉलम देखने हैं, तो वॉल वाले एलिमेंट को भी क्या कर दिया हमने यहाँ से फ्रीज कर दिया। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, खाली कॉलम और बीम देखने को। अच्छा अब ये मतलब ग्रुप करके कॉपी कर ये देखो इसको कॉपी किया यहाँ से। तो इस तरीके से कॉलम बीम हमारे इसके अंदर आ गया। फिर एक चीज रह गई इसमें जो हमने कल दी थी, क्या दी थी, ग्रिड लाइंस कहलाते हैं। ग्रिड लाइंस हम क्यों देते हैं, सेंटर टू सेंटर दिखाई जाती है ताकि एक्सकेवेशन जब होगा तो वो ग्रिड लाइन आपके प्लॉट पे बनाई जाती है और उसको वहीं पे आपका मशीन से या मैनमेड एक्सकेवेशन पॉइंट क्रिएट किया जाता है। जैसे कि एक कॉलम दूसरे कॉलम से कितनी दूर है हमें पता चल रहा है क्या यहाँ पे, नहीं तो इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिखाई जाती है। वो डिस्टेंस दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम लेयर कमांड पे गए, न्यू लेयर पे गए, सीई डैश स्ट्रक्चर डैश लग कर लिया लाइन टाइप। एक्सेल एंटर एच एंटर लाइन बनाई, ठीक है, एक्सेल एंटर बी एंटर चारों तरफ एक रेक्टेंगल बनाया
तैयार होंगे? ठीक है, अब इसको करना क्या है, आपको सर्कल बनाना है। सर्कल बनाया 6 रेडियस का। अब दूसरा सर्कल इसके इस पे बनेगा। दोनों सर्कल आसपास हैं तो क्या ये प्रॉपर आएगा? ये दोनों मर्ज हो जाएंगे ना जी। तो इनको देने के लिए क्या करते हैं हम, सर्कल को बना रहे सर, मैं बताता हूं, क्योंकि इसके अंदर आपका नेमिंग आएगा। दूसरे को कैसे दिखाते हैं, जब आसपास होते हैं तो एक एंगल पे लाइन बना दी, नीचे लाइन को टर्न कर दिया। एक तरफ अल्फाबेट दिए जाते हैं, ए बी, हो गया बस। एसी बंद कर दिया था उधर, एसी बंद कर दिया था। वन सर स्टार दिखाया आपने, इसका सेंटर, इसका सेंटर अलग अलग है, सेंटर टू सेंटर ऑपरेशन देते हैं। ठीक है, अब ये सर इसका सेंटर कहाँ पे है? ये हाँ सर वर्टिकल प्लेस है। इसका सेंटर कहाँ पे है? तो एक लाइन में आगे पीछे है, आगे पीछे तो सेंटर बताते हैं ना उससे, उसी के सेंटर पे तो कॉलम प्लेस किया जाता है ना। अब डायमेंशन देने के लिए DLI लिखा, पहला गैप आ गया, DCO एंटर। आपका कॉलम आ गए, बीम आ गए, उन पे ग्रिड्स आ गए, और कॉलम टू कॉलम, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसिंग भी सारी आ गई हमारी। अब इसमें एक काम रह गया, जैसे ये कॉलम कौन सा है? ये सर C2 है या C1 है? ये C1, ये C2 है, पहले वाला C1 था। C2 तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, C2 C1 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 C1, C2, C2 जी सर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये वर्क। कल कॉलम का सेक्शन पढ़ेंगे हम, तो ये प्लेस करके लेके आना है। ठीक है सर, इसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिए।
तुमको